एक गाइस आप देख सकते हो ये पार्सल तो लगा दिए मैंने, इनको अभी मेरे को रखना बाकी है और आप देख सकते हो। और बाकी देखो ये गाइस मारो ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और हम आप सबके लिए लेके आ गए हैं एक प्यारा सा ब्लॉग। तो प्यारा सा ब्लॉग में इंटरेस्टिंग होने वाली है ड्रेस, तो मेरा ड्रेस सभी वो चल रही है, हम वो बनवाई है सबके लिए जो ट्रेंडिंग में है प्रेजेंट में, तो आप सभी भी ऑर्डर कर सकते हो यहाँ से। तो देखो ट्रेंडिंग के कपड़े जो सब लोगों ने ऑर्डर किए हुए हैं तो ये इधर पड़े हुए हैं आप देख रहे होंगे। तो सबसे ज़्यादा ये मस्टर्ड कलर दिख रहा होगा आपको क्योंकि मस्टर्ड कलर सबसे ज़्यादा जा रहा है। और बाकी और दिखा देती हूँ आप सबको, देखो ये वाली लुगड़ी एक नई थी जो भी ऑर्डर की है, जो देख लो आप उस वाली वो लुगड़ी मैंने बताया था ना वो कॉस्टली है पर बहुत सुंदर है, उसके अंदर ये एक लुगड़ी है। ये बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, आपको सभी कलर मिल जाएंगे तो मैं शॉर्ट वीडियो में डालूंगी कुछ कुछ कलर्स। और गाइस नया लहंगा बनवाया मैंने उसको बताती हूँ आपको, ये देखो गाइस इनका कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लग रहा है कॉम्बिनेशन इनका एक दूसरे के साथ। और ये वाला लहंगा आप देख सकते हो, ये लहंगा है बैंगनी कलर का, देखो यूनिकॉर्न का है पूरा कंप्लीट, बहुत सुंदर है आप देख सकते हो। ये न्यू कलर आया हमारे पास, ये हमने पहला लहंगा बनवाया है ये वाला कलर का, पहला लहंगा बनवाया है काफी ऑर्डर थे बाहर पर हम अब ये थान लाए ये वाला देखो। और देखो गाइस हमने कैसे लहंगे बनवाए यूनिक एकदम। तो गाइस जो देखो ये वाले ये कम ये वाले झलरी के लहंगे मतलब बिगर झलरी के लहंगे भी बनवाए थे एक दो ने हमसे, तो दो लहंगे बने हैं बिगर झलरी के, ये भी पहली बार बने हैं पर ये जिसने बनवाए उनकी लंबाई बहुत कम है। और तो आप देख सकते हो मतलब बिगर झलरी के लहंगे भी अवेलेबल हैं यहाँ पे मिल सकते हैं आपको, बनवा सकते हो झलरी के भी बनवा सकते हो, जो प्रेस वाले हैं वो भी बनवा सकते हो, अपने पास सभी चीज़ अवेलेबल है। और दिखा देती हूँ, और देखो एक डार्क मूंगिया कलर बनाया है ये भी अभी बनाया है, फर्स्ट लहंगा है ये भी हमारा डार्क मूंगिया भी आप देख सकते हो कैसा लग रहा है देख लो। इसके साथ देखो ये प्याज का की रोटी कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत अच्छी मैचिंग कॉम्बिनेशन है इसका। और तो वही सब दिखाती हूँ पालक ग्रीन, और सब ऑर्डर के कपड़े हैं जो भी आपको दिखा रहे हैं। तो गाइस सभी ये सभी 8 मीटर के लहंगे हैं जो 9 पहने के होते हैं तो आप देख सकते हो, और आपको सब यूनिकॉर्न के हैं, एक भी बिगर यूनिकॉर्न नहीं है अपने पास, सब यूनिकॉर्न के ही मिलेंगे। अगर जो ब्लू डायमंड बनवाएगा उसी को हम ब्लू डायमंड बनवा सकते हैं, बाकी तो यूनिकॉर्न ही चलता है सबके लिए। और देखो आपको दिखा देती हूँ मैं, देख लिया आपने, और देखो ये इधर ये मैंने आपको दिखाया नहीं है पार्सल लगा दिए हैं, देखो नेवी ब्लू कलर लहंगे दो नेवी ब्लू कलर के लहंगे हैं आप देख सकते हो, नेवी ब्लू ये दो लहंगे हैं और इनके साथ ये वाली बोलनी है गाइस, ये इनका एड्रेस मैंने रखा हुआ है कंफ्यूज ना हो जाए रखूँगी ना उसे। तो गाइस आप देख सकते हो ये मेहरूम कलर की ओढ़नी है बहुत ही प्यारी, और इसके साथ का है ये एड्रेस है इनके साथ का, ये इसलिए रखा हुआ है ताकि इसमें कंफ्यूज ना हो जाए वक्त तक दिखाने के चक्कर में। और दिखा देती हूँ सभी को दिल्ली से निकाल के, ये है अर्चना मीणा का जो जाएगा जो दिल्ली जा रहा है, तो ये देखो पालक ग्रीन कलर का लहंगा है और मेहरून कलर की होड़नी है इनके साथ। और गाइस ये डिलीवरी है ब्लैक कलर की आप देख सकते हो, तो ब्लैक होड़नी है बहुत प्यारी है ये भी। और ये देखो ये वाइन कलर जो चल रहा है कुछ जान बहुत ज़्यादा, ये कटहरी कलर दोनों ही एक ही दीदी के हैं, ये जाएगा गाइस ये जितेंद्र कुमार मीणा का है, ये महाराष्ट्र से जाएगा। और देखो ये है मीनाक्षी मीणा, ये भी न्यू दिल्ली के लिए है, और ये देखो ये वाला है इलायची कलर। ये है गाइस रोहित कुमार मीणा, ये जाएगा अपना जयपुर, और इसका है ओनली लहंगा मिर्ची कलर का आप देख सकते हैं। और ये वाला है साधना कुमारी, ये वाला जाएगा अपना सवाई माधोपुर,
ये दीदी का मिर्ची कलर का लहंगा है, आप देख सकते हो ये रहा, और ये वाइन ये लुगड़ी है जिसको बोलते हैं रामा कलर डार्क, ये देखिए हाँ तो और ये लगा दी है हमने और बाकी अभी लगाने हैं मेरे को। और देखो ये पांच ड्रेस, ये पांच ड्रेस एक साथ जाएंगी, एक ही दीदी की है। देखो ये वाला लहंगा, ये वाली लुगड़ी इसके साथ ही ओढ़नी अभी मिल नहीं रही है, मतलब इनको ये वाला कलर का चाहिए पर गोल्डन जरी में चाहिए। और ये लहंगा भी उन्हीं का है, ये ओढ़नी उन्हीं की है, ये और ये वाला लहंगा और ये ओढ़नी, ये देख लो ये सब चार पाँचों बेस एक ही दीदी के हैं, एक के साथ जाएंगे एक के पास ही। और बाकी आप देख सकते हो बहुत सारे पार्सल ऐसे, तो कब तक दिखाएंगे बहुत सारे हैं, तो अब लगा लेते हैं पार्सल, तो एंड में बताते हैं सभी पार्सल लगने के बाद टोटली भी कितने पार्सल लगाए आज हमने। बाकी आज नहीं तो कल लग जाएंगे, पर लगाना है आज, वैसे भी संडे है तो संडे को तो ऑल अमेजन के ही पार्सल जाएंगे, डिलीवरी वगैरह पर नहीं जाएंगे, तो और ना ही इस पर अब जो हम वो करेंगे जो मतलब उससे करेंगे रोक दो थोड़ी देर, क्या बोलते हैं वो तो गाइस देखो इधर कर रही है मनु जी पैकिंग, पार्सल पैकिंग चल रहा है, और इधर देखो ये इतने सारे रात को गाइस 2 बजे तक जगाया था इसने, और कोई सैलरी नहीं है ऐसे ही काम हो रहा है बिना सैलरी के, और देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं खुद का काम छोड़ के इनकी हेल्प करवाता हूँ, ये देखो इनको पैक करने में ऐसे ही नहीं है, ये पहले देखो भरने पड़ते हैं यानी कंप्यूटर में, यानी पूरा डिटेल वगैरह नाम एड्रेस मोबाइल नंबर वगैरह पेमेंट कैसे है वो सब कुछ सिस्टम में करना पड़ता है, उसके बाद प्रिंट निकलता है यहाँ से। ये देखो कितनी चैट के बाद कितनी चैट हो जाती है, मतलब कितने नंबर हाँ ढूंढना पड़ता है वो, गाइस इनकी कैपेसिटी है पता नहीं कैसे कैसे याद रखती है, बाकी गाइस सबका रिकॉर्ड यहाँ पर रहता है कंप्यूटर में कि किसने कितना पेमेंट किया है कितना नहीं, वो छड़ाना पड़ता है, अगर जिसका पेमेंट आ गया कितना पेमेंट आ गया वो छड़ा के तभी यहाँ से रिलीज होता है, नहीं तो होगा ही नहीं यानी कि सिस्टम में, तो कंपनी उस हिसाब से यानी कि जिस कंपनी का टाई अप है तो बाकी सभी कंपनियों से टाई अप कर रहा है, हमारे पास पहले से लाइसेंस था इसका तो उसी से ही हम इनकी हेल्प करवा देते हैं। और कोई कई गांव में रहते हैं कई जहाँ पर यानी पार्ट डिलीवरी नहीं करते कोरियर वगैरह, वहाँ हम स्पीड पोस्ट भिजवाते हैं, कम भिजवाते हैं स्पीड पोस्ट, कोई बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में, बाकी हम अमेजोन फ्लिपकार्ट सबसे जितने भी कोरियर हैं सबसे पार्टनरशिप है तो सबसे भिजवा देते हैं, तो इस वजह से काफ़ी कॉस्ट बैठ जाता है। तो ये बाकी इधर पैकिंग चल रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मतलब भाई कोई डिफेक्ट हो जाए, मतलब किसी चीज़ नहीं ऐसे कभी नहीं करते गाइस, मैं तो कभी नहीं रखती कभी भी ऐसे। तो ये गाइस रात को ही आया है माल और अब चल जाएगा पूरा आज या कल में, और फिर दोबारा चल जाएंगे लेके, 2 दिन में जाना पड़ता है मुझे लेंगे, तो मैं यहीं से बनवा सकती हूँ ना, हमारे पास यहीं है तो इसलिए हम बस सिलाई वाले को ऑर्डर देते हैं। और इनका स्टॉक है ना जो इसमें भरा हुआ है, इसमें ये जो गेट है ना इसमें अंदर इंडियन है करी तरह राज है वो तो दिखाएंगे नहीं हम एक गाइस, तो आप देख सकते हो ये पार्सल तो लगा दिए है मैंने, इनको अभी मेरे को रखना बाकी है और आप देख सकते हो, और बाकी देखो ये स्पीड पोस्ट से जाएंगे, 2 इस वजह से यहाँ पर रखे हुए हैं और अभी लगाना बाकी है, तो और दिखाती हूँ मैं, और हम बाहर रख के आ गए हैं क्योंकि भैया लेने आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो चलो दिखाते हैं। तो गाइस देखो ये रखती हैं काफ़ी, ये अमेजोन के हैं इसलिए इनको लेने आने वाले हैं भैया जी, तो ये रखती है इधर, अब भैया जी इस सब का फोटो खींच खींच के ले जाएंगे थोड़ी देर में,
और अभी वो वाले तो अभी पैकिंग हो ही रही है। वो दो ही जनों के हैं कपड़े है। ऐसे नहीं है ज्यादा के नहीं है, वो हमें कार्टून पैक करना है इस वजह से हमने इधर रखे हुए हैं, क्योंकि ये कार्टून में रख रहे हैं।